हाय गाइस, आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम ट्रेडिंग विद विवेक.com और आज है संडे इवनिंग और संडे इवनिंग को हम चार्ट ऑफ द वीक एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने दो तीन बार वीडियोस बना चुके हैं जिसके ऊपर और आज ये थर्ड या फोर्थ वीडियो है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न क्या हम लोग एनालिसिस करते हैं और इसमें जो मेन फोकस होता है वो एक लीडिंग कंपनी होनी चाहिए और उसमें जो एक प्रॉपर ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस भी प्री डिफाइंड होता है और टारगेट भी प्री डिफाइंड होता है। इसमें ऐसा नहीं है जैसे मैं यूजुअली बाकी स्टॉक एनालिसिस में कहता हूं कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे परचेज कर लो और 20% गेन आए तो निकल जाओ एंड रिपीट द प्रोसेस। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करते हैं और ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न जैसे कप विद हैंडल है या हेड एंड शोल्डर है या ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है या डबल बॉटम या डबल टॉप है, उस तरह के चार्ट पैटर्न्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो आज हमने चूज किया है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को। तो इसको चूज करने के क्या रीजंस हैं, देखो इसको चूज करने के दो रीजंस हैं। एक तो इनकी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आना और हाईएस्ट एवर रिवेन्यू आना एंड सेकंड एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न डेवलप होना। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले जैसे मैं जनरली हमेशा कहता हूं कि बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, तो एक बार बिजनेस में देख लेते हैं कि इनके ब्रांड्स कौन कौन से हैं। मैं ब्रांड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं क्योंकि ब्रांड्स क्या करते हैं, कंपनी को उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जिसको जिस प्रोडक्ट के ब्रांड को यूज करने की हैबिट होती है ना, वो उसके लिए थोड़े से पैसे फालतू देने में हिचकिचाता नहीं है और कंपनी की ग्रोथ मोमेंटम बनी रहती है। तो जैसे गुड नाइट इनिका प्रोडक्ट है, गोदरेज एक्सपर्ट्स जो हेयर कलर्स में है, डार्लिंग अगर हम देखें तो डार्लिंग बेसिकली इन्होंने साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है और इन्होंने अच्छा काम क्या किया है गोदरेज ने कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाकी अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नेम से लॉन्च किया हुआ है। तो हिट भी इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हिट यहां पर दो नजर आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है। जो काला हिट है ये इंडियन हिट है और ये वाला अगर हम बात करें तो ये इंडोनेशिया का हिट है। तो डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने अलग से सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं, तो यही रीजन है कि इनका सेल्स का ग्रोथ मोमेंटम भी बना हुआ है। तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाएंगे और ब्रांड्स विद पर्पस करके क्लिक करेंगे तो सारे ब्रांड्स इनके नजर आ जाएंगे, जो पुराने और नए सभी तरह के ब्रांड्स हैं। तो यहां से आपको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से इनकी ग्रोथ नजर आएगी कि ग्रोथ आ कहां से रही है। एक्चुअल में काफी सारे इनके ब्रांड्स हो गए हैं, तो ये चीज इनकी ठीक है। बाकी अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो FMCG कंपनी है, स्टॉक PE इज 44.6 विच इज ओके एंड ROCE इज 18.6। यहां पर ये थोड़ी सी कम है लेकिन ये कम होने का रीजन फिलहाल का पेंडेमिक भी है और तो इस चीज को हम थोड़ा सा लेकर चल सकते हैं क्योंकि बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 63.2% विच इज गुड, प्लेजिंग परसेंटेज इज 0.66 विच इज नेग्लिजिबल, हमें इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, लेस देन 1% है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.15 यानी कि 15% डेट है इन कंपेरिजन ऑफ आर ओन मनी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट की, तो सेप्टेंबर में जो रेवेन्यू आई है दैट इज 2900 करोड़, जो कि अभी तक पिछले 10-12 क्वार्टर्स में हाईएस्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 673 करोड़, जो कि पिछले 10-12 क्वार्टर में हाईएस्ट है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी 23% है जो कि हाईएस्ट ही है। इससे पहले सिर्फ एक बार 24% हुआ था, अदरवाइज 24% के बाद 23% जो कि मोमेंटम इन्होंने बनाया हुआ है, ये लेकर इस चीज को चल रहे हैं। तो ये चीजें इनकी अच्छी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर चले जाएं तो 2009 में 1396 करोड़ की इनकी सेल्स थी जो बढ़कर 10174 करोड़ हो गई है, ये बहुत ही अच्छी फिगर है। आप लगातार इनकी ग्रोथ यहां पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी इनकी लगातार है, 173 करोड़ से स्टार्ट होते होते अभी 1528 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट पहुंच गया है, तो ये भी इनका अच्छा है। बैलेंस शीट में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज की है, जो मार्च 2017 में 4000 करोड़ का इनका जो डेट था वो कम होकर अभी 1280 करोड़ हो गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मेजोरिटी ऑफ लोन तो इन्होंने पिछले 6 महीने में ही यहां पर पे ऑफ किया है, तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसे पैंडेमिक के दौरान भी इन्होंने अपनी कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छा करने के लिए पूरा काम किया है। और तो ये चीज बहुत ही अच्छी है ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर जब कंपनीज की बैलेंस शीट खराब हो रही है, इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को अच्छा करने के लिए करीब करीब 2300 करोड़ का लोन इन्होंने उतार दिया है और इससे फिर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि इंटरेस्ट पे ऑफ कम हो जाता है।
और जहां तक कैश फ्लो की बात है, तो लगातार जितना भी ये कमा रहे हैं वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सारा कैश फ्लो कंपनीज में आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी ही बात है। तो अभी तक इसमें बेकार कुछ नजर नहीं आया। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो होल्डिंग है वो लगातार सेम बनी हुई है। FII की भी होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम मेंटेन्ड है, DII की भी मेंटेन्ड है, और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 7% हिस्सेदारी है, जो कि एक बहुत ही इतनी सी है कि मतलब 7% हिस्सेदारी पब्लिक के पास होना, यानी कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, प्रमोटर्स के हैंड्स में है, FII और DII के हैंड्स में है, तो सारी चीजें फाइनेंशियल से भी अच्छी है। अब जब हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में देखो, एक ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन तो मैंने अभी भी ड्रॉ की हुई है, इवन दो मैं यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूं, फिर भी 200 डे मूविंग एवरेज मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये देखने के लिए कि कहीं करंट में जो प्राइस है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर तो ट्रेड नहीं कर रहा है। तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, करंट में जो 200 डे मूविंग एवरेज है दैट इज 637 और जो करंट प्राइस है वो 685 है, यानी कि 50 रुपए यहां से ऊपर है, और 50 रुपए 700 रुपए के प्राइस पे लगभग 7% ही ऊपर आता है, विच इज ओके। और यहां पर जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है ना, वो बन रहा है हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न, इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं बेसिकली। और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर इस तरीके से बनता है कि दिस इज लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज कंप्लीट हेड, और ये यहां पर राइट शोल्डर इज इन मेकिंग। तो जब ये राइट शोल्डर यहां से पूरा पूरा बन जाएगा और बनकर ये ऊपर चलेगा, यहां से निकलकर ब्रेकआउट देगा, उसके बाद में जो इसकी डेप्थ है यहां से लेकर यहां तक की, वो डेप्थ इसकी ऊपर की तरफ हम लोग मेजर करेंगे और वो हमारा टारगेट बन जाएगा। तो अगर हम देखें इसकी डेप्थ कितनी थी, तो हम यहां से इसकी डेप्थ ले लेते हैं और इसको हमने मेजर किया और इस पूरे ही डेप्थ को हमने यहां से ब्रेकआउट लेवल से जो नेकलाइन है इसके ऊपर हमने लगा दिया, तो इसका हमारा टारगेट प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो ये टारगेट प्राइस जो इसका निकल कर आता है, ये आता है 1100 रुपए और करंट में जो प्राइस है वो है 685। तो 1100 और 685 ये काफी अच्छा टारगेट है, यानी कि 1100 डिवाइडेड बाय 685 ये हमारा लगभग 60% का यहां से हाइक आता है जो प्राइस टारगेट है यहां से। तो अगर हम यहां से सीधा मेजर भी कर लें तो ये 60% ही हमारा पूरा आ रहा है, 59.93%। और अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करें, तो स्टॉप लॉस जो रिसेंट हमारी सपोर्ट है उसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो हमें इसको स्टॉप लॉस मान लेना चाहिए, क्योंकि हम यहां पर ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो इस यहां पर स्टॉप लॉस लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप लॉस हमारा आता है 640 के नीचे। तो ये हमारा, अगर हम करंट प्राइस से स्टॉप लॉस का लेवल देखें तो ये हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, ये हमारा सिर्फ 6.68% है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बिल्कुल अपने एब्सोल्यूट फेवर में है, कि जो अगर ऊपर का टारगेट है तो 60% है और जो रिस्क है स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 6.68% दूर है, यानी कि 10:1 ये रिवॉर्ड और रिस्क का रेशियो है। तो यहां पर ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं जब भी यहां पर इस तरह से स्टॉप लॉस की बात करता हूं, तो इस स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे अगर डे एंड पर क्लोज होता है तो ही मैं उसको मानता हूं, अगर ड्यूरिंग द डे उसके नीचे प्राइस जाता है और वापस आ जाता है तो मैं उसको कंसीडर नहीं करता ऐसे में। क्योंकि होता क्या है, ड्यूरिंग द डे जो ऑपरेटर्स हैं वो जनरली इस सपोर्ट के नीचे ले जाते हैं और नीचे सबका स्टॉप लॉस हिट करा के सबका माल भरकर वापस से ऊपर ले आते हैं, तो मैं उस ट्रैप में कभी भी फंसना नहीं चाहता। तो ये एक बहुत ही नीट एंड क्लीन चार्ट है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और जो इसका ऑल टाइम हाई था शेयर का वो भी अच्छा खासा ऊपर है अभी 979। तो ऑल टाइम हाई तक तो चीजों का जाना, जबकि खासतौर से उस टाइम पर जब नेट प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट एवर कंपनी ने पोस्ट की हो, रिवेन्यू भी हाईएस्ट एवर हो और वो कंपनी का बिजनेस भी ग्रोइंग हो, तो बड़ा आसान होता है। तो 979 तो ये ऐसे ही बनता है, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पे 1100 का यहां से आता है जो 60% ऊपर है। अब अगर ऐसे में ये 6-7 महीने भी लगा देता है ना, तो 6-7 महीने में 60% गेन का आना, ये बहुत ही मतलब इतनी सिंपल सी इतनी अच्छी ट्रेडिंग स्टाइल होती है, इसीलिए कभी भी हमें ट्रेड करना चाहिए तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के करना चाहिए कि जब हम टेक्निकल ब्रेकआउट या ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न की बात करें तो उसमें हमें टारगेट भी पहले से पता होता है और हमें वहां पर जो रिस्क है, जो स्टॉप लॉस लेवल है वो भी पहले से पता होता है। एक बार एंट्री कर ली तो अगर वो नीचे जाएगा तो कहां निकलना है और ऊपर जाएगा तो कहां निकलना है, वो हमें पहले से पता है।
तो ये चार्ट ऑफ द वीक है, इसमें अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखता हूं, तो अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप वहां भी डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आप सबको उन सब पे रिप्लाई करूं। अगर कभी डिले हो जाए तो दोबारा पोस्ट कर देना, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं अभी, और हम सब ने अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव करके, पॉलिश करके आगे बढ़ना है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 5 o'clock मेरी एक वीडियो आती है जो हमारे अगेन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ही होती है। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम ट्रेडिंग विवेक.com। हैव ए नाइस ट्रेडिंग, हैव ए नाइस इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।